दोस्तों, 200 योग के बीच में समकोण यानी 90 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं हम देखते हैं। और इसको लगाने के लिए एक चीज़ हमको याद कर लेना है, एक चीज़ हमें समझ लेना है। आप कभी भी देखते होंगे दीवार वाली घड़ी हो गई या फिर जो भी हैंड में आप हाथ में पहनते हो घड़ी, उसमें जो आप सुइया देखते हैं और घंटा वाली जो गैप देखते हैं उसमें आप कभी देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक घंटे में आपको 2 बार 90 डिग्री कोण का पता चलेगा। हर एक घंटे के गैप में दोनों सुइयाँ 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक दोस्तों, हर घंटे में दोनों सुइयों के मध्य 2 बार 90 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन 3 से 4 और आपका 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री एंगल बनता है। मैं आगे क्वेश्चन में समझाऊँगा ये कैसे होता है। आप देख सकते हैं, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे के अंतराल में आपको 44 बार समकोण देखने को मिलेगा, 90 डिग्री देखने को मिलेगा। और दो जो लॉस होता है 2 बार, वो आपका 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में होता है, ये हम आगे देखेंगे। बोला है 5 और 6 के मध्य 90 डिग्री कब बनता है, यही पूछा है आपको क्वेश्चन जैसे दिख रहा है। तो इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कभी भी 90 डिग्री कब बनता है दोनों सुइयों के मध्य, जब दोनों सुइयों के बीच 3 घंटे का गैप हो, यानी कोई एक सुई अगर 3 पे है और दूसरी सुई अगर 6 पे है तो आप देखेंगे समकोण बनता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक सुई कोई 3 पे है दूसरी वाली 12 पे है तो भी 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आपको एक चीज़ याद कर लेना है, 2 सुइयों के मध्य 90 डिग्री एंगल तभी बनेगा जब उनके बीच में 3 घंटे का गैप हो। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, 5 और 6 के बीच 90 डिग्री एंगल आपको फाइंड करना है, पता करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहला वाला नंबर जो दिया रहता है 5 और 6, इसमें से सबसे पहले वाले नंबर को आपको उठा लेना है 5 को, और इस 5 में हमने बोला है 3 घंटे का गैप होना चाहिए दोनों सुइयों के मध्य। तो आप एक काम करेंगे, इसमें से 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 घटाएंगे। ठीक, एक बार 3 जोड़ेंगे पहले वाले नंबर में और एक बार 3 घटाएंगे। ठीक, पहले वाला नंबर लेना आपको, एक बार 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा 2 पे और ये कितना चला जाएगा, सॉरी ये चला जाएगा आपका 8 पे और ये चला जाएगा आपका 2 पे। ठीक है, अब देखिए ऐसा ये क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका घड़ी है, ये आपका घड़ी है। ठीक, अगर यहाँ पे 5 बज रहा है, ये 5 हो रहा है, ये मान लीजिए ये 100 यहाँ पे है, 90 डिग्री कब बनेगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 90 डिग्री कब बनेगा जब इन दोनों सुइयों के बीच 100 यहाँ पे है, जब इन दोनों सुइयों के मध्य में 1 घंटे का गैप 2 घंटे का गैप और 3 घंटे का गैप, यानी 2 से लेकर 5 का गैप है 3 घंटे का, तब ये 90 डिग्री बनता है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन एक और कंडीशन ही बन सकता है, इधर भी तो आ सकता है ये सुई। ठीक, इधर भी आ सकता, तो कहाँ पे आएगा, 8 पे आएगा। यहाँ पे 3 घंटे का गैप आपको दिख रहा है, 1 6 हो गया, 1 7 हो गया, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा, सबसे पहले आपको यही याद करना, पहला वाला जो नंबर उसको उठाना है, उसमें 3 ऐड करिए और 3 सबट्रैक्ट करिए, तो 8 आ गया, 1 2 आ गया, इसका मतलब 100 8 पे होगा, 1 2 पे भी होगा। ठीक, बाकी जो 100 होगा वो 5 पे तो रहेगा ही, तभी तो 3 3 घंटे का गैप बनेगा। अब क्या करना है, इन दोनों में एक बार 2 को और एक बार 8 को पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम सॉल्व करते थे 0 डिग्री फाइंड करना, 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए पहला वाला नंबर क्या है, 8, तो 60/11 इंटू 8 अगर कर दें आप तो आपका आएगा 480 आएगा, 480 बटा 11।
इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये जाएगा 43/7/11, यानी ये क्या हो जाएगा, 5:43:07 पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा दोनों सुइयों के मध्य में। ठीक, एक तो ये हो गया। अब दूसरा दूसरा क्या है, नंबर 1-2 है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही कंडीशन वही तरीका आपको करना है, 60/11 × 2। ये क्या आ गया, 120 आ गया बाई 11। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये आपका, यानी इसको ब्रेक करेंगे 120 को तो आ जाएगा 10/10/11, यानी 5:10/11 पर आपका 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दो यहाँ पे एंगल हमको मिल गया है, 2/90 डिग्री एंगल बनता है हर घंटे के बीच में। एक आपका मिल रहा है 5:10/10/11 पर, और एक आपका मिल रहा है 5:43:07/11 पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन भी सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है, इसमें पूछ लिया 6 और 7 के मध्य आपको समकोण बताना है, 90 डिग्री का एंगल बताना है, कितने बजे बनता है। ठीक, तो आपको तो पता है हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी 2 बार समकोण बनता है, यानी दो आंसर आएगा इसका। तो इसमें 6 और 7 में पहला नंबर कौन सा है, 6, आप इस 6 को उठाइए और इसमें क्या करिए, 3 घटाइए और 3 को जोड़ दीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट करिए और 3 ऐड करिए, तो ये क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गया कितना हुआ 3, और ये 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 9। ये घड़ी के हिसाब से देखना दोस्तों, 6 बजे में से 3 घंटा हटाएंगे तो सुई कितने पे चले जाएगी, 3 पे, और 6 वाले घंटे में 3 घंटा और जोड़ देंगे तो कितने पे चले जाएगी सुई, 9 पे। आपको ऐसे समझना है। अब इन दोनों नंबर को 60/11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले वाले नंबर को लेते हैं यानी 3 को, 60/11 × 3 करेंगे तो ये आपका आएगा 180/11। इसको ब्रेक करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 11 से अगर 180 काटेंगे तो एक बार में गया 11, बचा यहाँ 7, यानी 70 बचा, और 70 11 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, बचा रिमाइंडर कितना, 6, 4 बचा, यही हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा वाला हम लोग नंबर उठाएंगे 60/11 × 9। इसको हम लोग अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 540/11, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा 49, ये आपका आ जाएगा। ठीक, जब 11 से आप डिवाइड करेंगे 540 को तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए ये आया और ये आया, इन दोनों को लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिखिएगा 6:16:04 पे 1 बजेगा, एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, और दूसरा वाला क्या है 6:49:01 पर। ये दो आपका टाइम आ गया, इतने टाइम पे वो 90 डिग्री एंगल दोनों सुइयों का मध्य बन रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये 3rd क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ लिया है 7 बजे और 8 बजे के बीच में मध्य में कब 90 डिग्री एंगल बनेगा। आपको पता है हर घंटे के अंतराल में, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री एंगल बनता है दोनों सुइयों के मध्य में। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 7 से 8 के बीच में। ठीक, इसमें पहला नंबर कौन सा है, 7, आप इसको उठाइए, 7 को आपने उठाया और क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे और 3 माइनस करेंगे, तो ये कितने पे जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 10 पे जाएगा, 3 माइनस करेंगे कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। अब इन दो नंबरों को आपको 60/11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले 10 को लेते हैं, 60/11 × 10
यानी ये आ जाएगा 600 बटा 11। इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग 600 बटा 11 को, तो ये कितने बार में जाएगा, 5, 4, यानी 54 सही 6/11 मिनट, एक ये आ गया। और दूसरा है 4, उसको क्या करेंगे 60/11 से उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60/11 × 4। इसको जब करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 60/11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 240/11। ठीक, अब 240/11 को जब आप 240 को जब 11 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट। ठीक, अब देखिए आंसर क्या होगा, आंसर कैसे होगा, 7 से 8 के पीछे पूछा है, यानी 7/21 सही 9/11 मिनट पर एक आएगा, एक आपका आंसर 90 डिग्री, और दूसरा कब आएगा, 7/54 सही 6/11 मिनट पर ये दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, इसलिए 2-2 आंसर आया। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया 10 और 11 के मध्य कब दोनों सोइयों के मध्य में बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी समकोण कब बनता है 10 और 11 के मध्य दोनों सोइयों के बीच में। तो आपको हमने बताया, आप सबसे पहले क्या करेंगे 10 और 11 में, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले वाले नंबर को आप लीजिए, इसमें सबसे पहले 3 जोड़िए और 3 को घटाइए। 3 जोड़ रहे हैं, 3 घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हर 90 डिग्री कब बनता है दोनों सुइयों के मध्य, जब उन दोनों सुइयों के बीच में 3 घंटे का गैप हो, 3 घंटे का 3 आवर्स का जब गैप होगा तो ही आपका 90 डिग्री बनेगा, इसलिए हम 3 जोड़ रहे हैं और 3 घटा रहे हैं। ठीक, तो 10 में जब 3 जोड़ दिए तो ये आपका कितना बचेगा, 10 बजे में अगर 3 घंटा और जोड़ देंगे तो आपका 1 पे चला जाएगा सुई, घंटे वाली चला जाएगा, और जब 10 बजे में से 3 घंटा घर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा घड़ी में आपके, 7 बज जाएगा। ठीक, अब इन दोनों नंबरों को आपको 60/11 से मल्टीप्लाई कर लेना, तब तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले नंबर को उठाते हैं हम लोग, 60/11 × 1 इजिक्वल टू क्या आ जाएगा, 60/11 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट, यानी 10/5 सही 5/11 मिनट। ठीक, ये आपको हो गया पहला आंसर। अब दूसरा नंबर कौन सा है, 7, इसको भी लेंगे 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/11 × 7, इसको और करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 420/11, और जब 420/11 को ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38/11 मिनट, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/38 सही 2/11 मिनट पर 90 डिग्री बनेगा। आप देखिए 2 बार 90 डिग्री बन रहा है, एक 10/5 सही 5/11 मिनट पे, और एक हो रहा है 10/38 सही 2/11 मिनट पे। तो आपको ऐसे 90 डिग्री एंगल फाइंड करना है दोनों सुइयों के मध्य में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 8 और 9 के बीच में आपसे समकोण पूछ लिया, 90 डिग्री का एंगल पूछ लिया दोनों सुइयों के मध्य। इसमें आपको एक चीज़ जरूर, एक आपको इसमें डाउट हो सकता है, आप पहले आपने देखा है, हमने क्या बताया कि 8 से 9 और 9 से 10, जैसा आपने स्क्रीन पे देखा था,
9 से 10 के बीच में सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री बनता है, और 8 से 9 में तो दो बार बनता है, ठीक, लेकिन 9 से 10 में एक ही बार बनता है, ठीक। अगर ऐसे देखें हम लोग 8 से लेके 10 के बीच में सिर्फ तीन ही बार 90 डिग्री मिलता है हमको, दो घंटे में सिर्फ तीन बार, एक का लॉस कहाँ होता है, 9 से 10 के बीच में। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसने दे दिया 8 से 9 के बीच में पूछा इसने, तो इसको लगाने का आपको मेथड वही है। सबसे पहले 8 से 9 के बीच में पूछा तो 8 को उठाएंगे आप, इसमें 3 ऐड करेंगे और 3 माइनस करेंगे। 3 जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। 3 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इन दो नंबरों को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इन दो नंबरों को जब 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले नंबर 11 को लेते हैं, 11 कट गया, ये आपका आ गया 60 मिनट, यानी 8:60। आप एक बात बताओ, 60 मिनट का मतलब क्या होता है? पूरा एक घंटा ही तो होता है, एक घंटा 60 मिनट होता है, एक घंटा ही हुआ, यानी 8:60 का मतलब क्या होता है? 8:60 का मतलब होता है 9 बजे, यानी घड़े के सुई में उसमें 9 बजते हैं। एक तो उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, एग्जैक्ट 9 बजे, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है आपका, 60/11 × 5। ये जो 5 है इसको आप ब्रेक करेंगे, 300/11 आएगा। 300 को आप 11 से डिवाइड करिए तो ये आपका आएगा 27/3/11 मिनट, ठीक, 27/3/11 मिनट। इसका मतलब 8:27/3/11 मिनट पर एक आपका 90 डिग्री बनना होगा दोनों सुइयों के मध्य में। ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए आपका ये आंसर आ गया, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने बताया था लॉस कहाँ होता है, वो आप ज़रा देखिएगा, ठीक। जो लॉस है उसको समझने के लिए हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे जनरली समझ लीजिए। मान लीजिए 9 से 10 के बीच में हमें चेक करना है, तो इसमें 9 को उठाएंगे आप, इसमें 3 ऐड करिए, अगर 3 ऐड करेंगे और 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो आपका 12 आ जाएगा और दूसरा जो है वो आपका 6 आ जाएगा। अब इसमें 60/11 का मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो गया कितना, 720/11। इसको जब ब्रेक करेंगे तो आप देखिएगा ये आएगा 65/5/11 मिनट। अब दोस्तों एक बात बताओ, एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होते हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा हो जा रहा है, 65 मिनट हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो 90 डिग्री बनेगा वो अब एक घंटे से ज़्यादा है। देखिएगा दोस्तों, ये जो 60 यहाँ पर जो 90 डिग्री बनेगा वो क्या होगा, 9 और 10 के बाद वाले गैप में आएगा, यानी 10 और 11 वाले गैप के बीच में आएगा। तो उसलिए एक ये वाला आपका लॉस मिलता है, आप समझ गए होंगे, एक ये लॉस मिलता है, ठीक। 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक ही 90 डिग्री बनता है, एक तो आपका देखिए लॉस यहाँ हो गया, लेकिन एक 90 डिग्री जो बनता है वो कब बनता है, वो देखिए कैसे निकालते हैं। उसको क्या करेंगे, 60/11 × 6 करिए, आपका आ जाएगा 360/11। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका आएगा 32/8/11 मिनट, ठीक, यानी 9:32/8/11 मिनट पर, ठीक। ये आपका एक ही बार ये 90 डिग्री बनता है दोनों सुइयों के मध्य में, 9 और 10 के बीच में, ठीक है। एक और आया था लेकिन आप देख सकते हैं वो 65 मिनट हो गया था, और आपको पता है एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। अब ये जब 60 मिनट से ज़्यादा हो गया तो ये दूसरे वाले घंटे के गैप में चला गया ना, यानी 10 और 11 के बीच में चला गया, तो इसलिए यहाँ एक गैप हो गया, एक लॉस हो गया, ठीक। तो ये हम आपको समझा रहे थे, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका इंटरवल जो है वो थोड़ा डिफरेंस है,
इसमें पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए पहले तो राउंड फिगर में दे रहा था 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ऐसे पूछ रहा था, लेकिन इसमें देखिए घंटे के साथ मिनट भी दे दिया है, यानी 10:31 से लेकर 11:31 के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री यानी समकोण बनेगा। तो याद करिए हमने बहुत पहले आपको 0 डिग्री एंगल निकालने में निकालते थे हम लोग, उसमें एक ऐसा भी टाइप आता था तो उसको हम कैसे ब्रेक करते थे राउंड फिगर में, याद करिए अगर। तो 10:31 से लेकर 11:31 ये आपको निकालना है इसके बीच में। इसको अगर ब्रेक करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इसके मध्य में आता है, ये आता है 10:31 किसके बीच में आता है, 10 और 11 के बीच में, और जो 11:31 है वो किसके बीच में आता है, 11:12 के बीच में आता है। ठीक ठीक अब इन दोनों इंटरवल में, अब ये राउंड फिगर में आ गया, अब इन दोनों इंटरवल में पहले वाले नंबर को उठाते हैं हम लोग। ठीक अब इन दो नंबरों में 3 ऐड करेंगे और 3 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 10 में 3 माइनस किए, 3 ऐड किए, यहाँ पे 11 में 3 माइनस किए और 11 में 3 ऐड किए, तो ये कितना आ गया, 10 में 3 अगर माइनस करते हैं तो 7 आ गया, और जब 10 में 3 आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 10:03 जब ऐड करेंगे सुई में, आप घड़ी में देखेंगे तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 यानी 1 पे चला जाता है। इसी तरह जब इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 पे आएगा, और जब 11 में 3 ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 यानी 2 पे चला जाएगा। अब ये जो दो दो नंबर है इनको 60/11 से आप मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा, इन चारों में से 2 ही आंसर आएंगे जो रेंज में बिलोंग करेंगे। ठीक अब देखिए वो कैसे होता है, पहला नंबर देखते हैं 60, 7 को कैसे करते हैं, इसको करेंगे तो आपका 420 आ जाएगा, 7×6=42, 420/11 इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 38 सही 2/11। एक तो ये हो गया, ठीक इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10:38 2/11। ये हो गया एक पहला वाला ये हो गया। अब दूसरा नंबर 1 को उठाते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे 10/11 × 1 तो ये 60 रह जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सही 5/11। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10:05 5/11। अच्छा दोस्तों ये 10 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे जिस नंबर को आपने सेलेक्ट किया है ना उसी को यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अब 8 और 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 60/11 × 8, इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 480/11, और जब इसको ब्रेक करेंगे 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43/7/11। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 11 के हिसाब से देख रहे हैं ना हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं 11:43 7/11। एक ही आ गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है 2 है, यहाँ पे 60/11 × 2 ये हो गया 120/11। इसको जब ब्रेक करेंगे तो आपका क्या आएगा, 10 बार में गया रिमाइंडर कितना बचा 10/11 यानी क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 11:10 10/11 पर। अब देखिए 1 2 3 4
चार आंसर आए हैं, लेकिन अब देखना आपको इस रेंज में कौन सा बिलोंग करता है। दोस्तों ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप ये जब कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो आपको देखना इस रेंज में कौन सा बिलोंग करता है, ठीक। पहले यहाँ से उठाते हैं 10-38 इस वाले रेंज में आएगा, हाँ आएगा। 31 के बाद 32 आता है, 33, 34, 35, 36, 38 आ जाएगा, यानी ये तो आएगा। 5:05 क्या ये आएगा? नहीं, 31 स्टार्ट ही है और ये 5 है, यानी इससे पीछे कहीं आएगा, यानी ये रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। अब इन दोनों को देखते हैं, 43 को देखते हैं, ये भी आपका 31 से बड़ा है, इधर आ जाएगा तो ये भी नहीं आएगा। ये 11:10, हाँ ये आ जाएगा, 31 से छोटा यानी इधर ही कहीं आएगा, 10 से 10.5 से बड़ा है, 10-11, 31 से छोटा है, यानी ये आ जाएगा। अब देखिए 2 आपके आंसर आ गए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है, इसमें आपसे पूछ लिया है 4:35 से लेकर 5:35 के मध्य कब 0 डिग्री, कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सूर्यों के मध्य, ठीक। इसको लगाने का भी वही मेथड है आपका, 4:35 से आपका 5:35 के मध्य 90 डिग्री एंगल पूछ लिया है। इसको जब ब्रेक करेंगे राउंड फिगर में, तो 4 से 5 बजे के बीच में 4:35 आता है, 5:35 किसके बीच में आता है, 5 बजे और 6 बजे के बीच में। अब इन दोनों इंटरवल में आगे वाला नंबर, पहला वाला नंबर उठाते हैं 4 को और 5 को। अब क्या करना है, 90 डिग्री निकालना है, 90 डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 घंटे या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 4 में जब 3 जोड़ेंगे और 4 में 3 घटाएंगे तो नंबर क्या आ जाएंगे, आप 4 बजे में 3 अगर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 4 बजे में अगर 3 घंटा घटा देंगे तो कितना चला जाएगा सुई, 1 पे। इसी तरह इसमें देखेंगे हम 5+3, 5-3, तो 5+3, 5-3 होगा, ये कितना आ जाएगा, 8। 5 बजे में 3 घंटा जब जोड़ेंगे तो 8 पे पहुंच जाएगा सुई, और 5 बजे में अगर 3 घंटा माइनस कर देंगे तो 2 पे चला जाएगा सुई, घंटे वाले चले जाएंगे। अब 7 को 1 को 8 को 2 को 60/11 से आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, ठीक। तो पहला यहाँ देखते हैं 7 को, यह आपका आ गया 420/11। इसको जब ब्रेक करेंगे ये आ जाएगा 38 / 2/11 मिनट, ठीक, यानी 4:38 / 2/11 मिनट पर 1 घंटा। और दोस्तों अब 1 को उठाते हैं, 1 को जब उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/11 × 1, यानी 60/11 ही आएगा। इसको जब ब्रेक करेंगे यह आपका आएगा 5/5/11 मिनट, यानी आपका आ जाएगा 4:05/5/11 मिनट। एक ये हो गया आंसर आपका। अब 8 को उठाएंगे, 60/11 × 8, इसको जब करेंगे तो ये आपका आएगा 480/11। 480/11 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 480/11 से ब्रेक करने पे कितना आ जाएगा, 43। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, मान लीजिए ये 480 हो गया, 11 से आपने डिवाइड किया, 4 बार में गया 44, बचा कितना यहाँ पे 4, अभी 3 बार में जाएगा 33, 7 बचा तो 43/7/11 मिनट, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 5:43/7/11 मिनट पर एक आंसर आ रहा है आपका। अब इसी तरह 2 का देखेंगे हम लोग, 60/11 × 2, इसको करेंगे 120/11 आ गया।
अब 120 बटे 11 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 10 से 10 बटे 11। इसको आप लिख सकते हैं 5:10 से 10:11। अब देखिए दोस्तों, 4 आ गए आंसर। अब इन चारों में 90 डिग्री कौन वाला होगा, कितने बजे, तो उसको निकालने के लिए आपको रेंज देखना पड़ेगा। रेंज 4:35 से 5:35 के बीच में कौन सा इन चारों में बिलोंग करता है, कौन सा लाइक करता है। एक तो 4:38 हो गया, 4:35 और 5:35 के बीच में आ जाएगा। दूसरा आपका 5:10 हो गया, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, समझ में आ गया। 90 डिग्री थोड़ा हार्ड है, 180 भी आपका इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट है अलग से, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।